मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज है संध्या वाला अरग और आज हमारे यहाँ पे संध्या अरग के दिन ही प्रसाद बनती है, तो आज आपके साथ आज का पूरा ब्लॉग शेयर करने वाले हैं। संध्या अरग पे हम लोग घाट पे जाते हैं, कैसे क्या पूजा होता है हमारे यहाँ, सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। कल रात लगभग मैंने 1:30 बजे ये मेहंदी लगाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है, बहुत कम ही लगाई है, बट अच्छी है, सिंपल है, अच्छी है। आपको कैसी लग रही है बताना। तो आज हमें प्रसाद वगैरह बनाना है। मेरे यहाँ पे संध्या अरग के दिन ही प्रसाद बनाई जाती है, सुबह से प्रसाद बनती है और शाम को हम लोग घाट पे जाते हैं। तो मम्मी छत पे प्रसाद बना रही है, हम लोग भी चलते हैं और हम भी मम्मी को कुछ हेल्प करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या कैसे बनता है हमारे यहाँ, ठीक है? तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है? ओके गाइस, आज है संध्या अरग और संध्या अरग होता है छठ पूजा का तीसरा दिन, क्योंकि छठ पूजा स्टार्ट हो जाती है नहाए खाए के दिन से, जिसको बहुत जगह कद्दू भात भी बोला जाता है। जो भी छठ व्रती होती है वो नहाए खाए के दिन कद्दू भात खाती है और उसी दिन से पूजा स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद होती है खरना, जिसका ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अब ये है संध्या अरग का ब्लॉग। तो संध्या अरग के दिन भी प्रसाद बनाई जाती है और छठ पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती है, बट कुछ प्रसाद हम घर पे बनाते हैं जिसमें होता है ठेकुआ, कसार और खजरी। और कई जगहों पे तो छठ पूजा का प्रसाद जो है खरना के रात में बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे संध्या अरग के दिन ही सुबह में बनाई जाती है। तभी मम्मी छत पे आ चुकी है प्रसाद बनाने के लिए और मैं भी आ चुकी हूँ मम्मी का हेल्प करने के लिए। यहाँ पे जो भी प्रसाद की चीजें बनती है बहुत ही नियम निष्ठा से बनाई जाती है। आप देखोगे जब भी गेहूं धुलने लगता है छठ पूजा के लिए, तो उस गेहूं को कोई चिड़िया चुग ना ले, उसको टच ना कर दे, इसलिए उसको बैठ के रखवाली करी जाती है। बहुत ही अच्छे से सारी चीजें साफ सुथरे ढंग से बनाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया है, और ठेकुआ, खजूरी और कसार ये चीजें मेन प्रसाद होती है छठ पूजा की, जिसे हम घर पे बनाते हैं। और बाकी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगी जब डाला सताएगा। तो देख सकते हैं मम्मी बना रही है और मैंने उनका जो भी हेल्प करना था कर दिया। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है ये सारी प्रसाद के लिए है, जिसमें गन्ना जरूर होता है, केला होता है, नारियल होता है, मूली भी होता है, बहुत सारी चीजें होता है। डिटेल से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देख लो। और उसके बाद डाला तैयार किया जाता है घाट पे जाने के लिए। सारे प्रसाद बनाने के बाद मम्मी कर रही है डाला तैयार घाट पे ले जाने के लिए। हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी लोग घाट पे चले जाते हैं, तो सारी चीजें डाली जा रही है। एक बांस का डलिया है और एक सूप है, क्योंकि बांस का जो बर्तन होता है वो मस्ट होता है, बांस की टोकरी डलिया जो भी होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ओके गाइस, प्रसाद बन चुकी है और हम आ चुके हैं नीचे तैयार होने के लिए। मेरे यहाँ पे बहुत ही जल्दी चले जाते हैं लोग घाट पे, तो हमें भी जल्दी जल्दी से तैयार होना है। तो मैंने नेल पेंट लगा लिया है पिंक कलर का। संध्या अरग के लिए मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। मैंने आपको शॉपिंग वाले ब्लॉग में दिखाया था, मैंने ये साड़ी लिया था मेरे लिए, और मैं सोच रही थी कि इसका ब्लाउज बन जाएगा तो ये पहनूंगी, और फाइनली इसका ब्लाउज बन चुका है। इसी से मैचिंग में ये पिंक लहठी भी वियर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से लहठी को निकालती हूँ और ये लहठी पहन के साड़ी वाली पहन के रेडी होके आपको मिलती हूँ। गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। अभी देख रहे हो टाइम हो रहा है 2:59 और सारे लोग घाट पे आ चुके हैं, और मैं आपको अपना छठ घाट दिखाती हूँ। काफी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं और चारों तरफ छठ मनाई जाती है, काफी ज्यादा भीड़ भी होती है और काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग घर पे छठ मनाते हैं। छठ पूजा तो हर जगह सेम तरीके से मनाई जाती है, बट जब तालाब पे मनाई जाती है और बहुत सारे लोग होते हैं चारों तरफ, तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ बहुत ही बड़ा सा तालाब है और तालाब के चारों तरफ छठ पूजा मनाया जाता है। देख सकते हैं काफी और अभी 3 भी नहीं बजा है, तो बहुत ही धूप होता है इस टाइम, और इसी टाइम पे सारे लोग घाट पे आते हैं और जो छठ व्रती होती है वो पानी में जाती है और अर्घ देने के लिए वेट करती है। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बट हम बिहारियों के लिए छठ पूजा सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। हम लोग इससे बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं। छठ पूजा बहुत सारे लोगों के लिए घर आने का बहाना होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ही दूर रहते हैं घर से, विदेश में भी होते हैं, वो भी छठ पूजा के लिए अपने घर आते हैं, और जो नहीं आ पाते वो विदेश में भी मनाते हैं। तो छठ पूजा ना बहुत ही स्पेशल होता है। एक बार छठ पूजा खत्म होता नहीं कि हम दूसरे साल के छठ पूजा का इंतजार करने लगते, क्योंकि हम लोग ना इनसे बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और ये पूजा कोई खेल नहीं होता, ये 3-4 दिनों का तपस्या होता है, और जो भी छठ व्रती होती है बहुत ही मुश्किल होता है उनके लिए, बट बहुत ही शौक से हर कोई हर घर में छठ पूजा करते हैं हमारे बिहार में। अपनी शरण में ही रखी। देख सकते हैं
चारों तरफ लोग तालाब में जा चुके हैं अर्घ देने के लिए, और आज संध्या अर्घ है तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। तो लोग यहाँ पे हमारे घाट पे 2-2.5 बजे से लोग आना स्टार्ट कर देते हैं, और जो छठ व्रती होती है वो पानी के अंदर भी कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए वेट करती है सूर्य अस्त होने का, और उसके बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है डूबते सूरज को। और फिर कल सुबह में हम लोग 2-3 बजे ही घाट पे आ जाते हैं, और उस टाइम से हम लोग फिर वेट करते हैं सूर्य, जब निकलते हैं सूर्यदेव तो उस टाइम उनको अर्घ दिया जाता है और फिर हम लोग घर आते हैं। ये 4-5 दिन का फेस्टिवल होता है, बट इसकी तैयारी महीनों पहले से चल रही होती है, और बहुत ही ज्यादा सुकून, बहुत ही अलग माहौल होता है इस टाइम पे घर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो सेशन चल रहे, क्योंकि हमें बहुत सारी मेमोरीज भी कैप्चर करके रखनी होती है, और हम उसे ही देख देख के अपना मन बहलाते हैं और फिर अगले साल छठ का इंतजार करते हैं। हम बिहारियों के लिए छठ पूजा क्या है ये हम आपको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। गाइज, आप हमारा ब्लॉग किस जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो बिहार में कहाँ से देख रहे हैं ये बताना, और आपकी तरह छठ पूजा किस तरीके से मनाई जाती है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। गाइस, तो अखन सूर्य अस्त होय वाला छे, और अही टाइम पर सूर्य के अर्घ देल जाय छे, क्योंकि आज सँझका अर्घ छे। तो जे भी ठढ़िया दै छथिन वो 1-2 घंटा पानी में वेट करै छथिन जब सूर्य अस्त होय के होइ छे, तै टाइम पर सूर्य के अर्घ देल जाय छे, और फिर सारा चीज समेट कर हम लोग चल जाय छे घर के लिए। गाइस, तो हम उम्मीद करै छी कि अहाँके हमर ब्लॉग नीमन लागल हैत। अगर नीमन लागल हैत तऽ कमेंट करके जरूर बताएब, आ साथ ही साथ हमर चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर लेब, तखने तऽ अहाँ हमर भोरका अर्घ वाला ब्लॉग देख पाएब। भोरका अर्घ में हमर छठ घाट और सुंदर लागै छै, कियाकि हमरा घाट के चारों तरफ छठ मनायल जाइ छै और चारों तरफ दीप जल रहल होइ छै, पटाखा छूट रहल होइ छै, तऽ बहुते सुंदर लगै छै। नेक्स्ट ब्लॉग से आबै वाला छै, तऽ अहाँ चैनल के सब्सक्राइब कर लेब और बेल आइकन के सेहो प्रेस कर देब, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करू अहाँ के नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जब भी मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं मिथिलांचल से हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप मिथिलांचल बोलिए, तो मैंने थोड़ा सा मिथिलांचल में वॉइस ओवर करी है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो संध्या अर्घ वाले घाट के दिन आने के बाद हम लोग डाला जगाते, जिसका क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, और मैं तो मेहंदी लगा चुकी थी, तो मैंने जिया और मम्मी को मेहंदी भी लगाया है, क्योंकि मम्मी भी सुबह वाले अर्घ के दिन जाती है घाट पे। गाइस, मेहंदी लगाते लगाते ही 11 बज चुके हैं, और सुबह वाले अर्घ के दिन भी हमें 2 बजे ही घाट पे जाना होता है, इसलिए मैं जा रही हूँ सोने, फिर आपको सुबह वाले अर्घ का ब्लॉग दिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।